कंपनी की ओपनिंग है जिस तरह आप यहाँ पहुँचे, तो क्या आपको विशेष देना चाहेंगे प्रियांश को? सबसे पहले प्रियांश को ऑल द बेस्ट, जितनी डिग्रियाँ यहाँ लगी और जो क्वालिफिकेशन प्रियांश ने बताया है, हमारे मीरा भाईंदर में वैसी स्पेशलिटी शायद ही है, या होगी तो भी एक या दो से ज़्यादा नहीं होंगी, इसलिए मीरा भाईंदर की पूरी जनता को इनके इस क्वालिफिकेशन का फ़ायदा मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। और प्रियांश को फिर एक बार मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत आगे बढ़िए, ज़िंदगी में वो सब पाइए जिसका कभी आपने ड्रीम किया था, आपने कभी सपना देखा था। भगवान से प्रार्थना यही करूँगी, आज महाशिवरात्रि का बहुत शुभ दिन है, सबको शुभकामनाएं देती हूँ और प्रियांश को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो सफल हो अपनी ज़िंदगी में। जब बच्चे, जब यूथ आगे अगर कुछ काम करते हैं तो उनके लिए क्या एक एडवाइस देती हैं गीता जी? मुझे यूथ पे हमेशा से ही बहुत पॉजिटिव भरोसा रहा है कि हमारे देश के यूथ जो चाहे वो कर सकते हैं, और उसी का एक ये एग्जांपल है कि मीरा भाईंदर, पहले मैं जब 84 में मीरा भाईंदर में आई थी तो कुछ स्पेशल डॉक्टरों के लिए मुझे मीरा भाईंदर में नहीं मिलते थे, MBBS कोई दो चार MD या नर्सिंग होम थे। आज जो चाहे सभी फैकल्टी मीरा रोड में अवेलेबल है, और ऐसी कुछ कमियां रह जाती है तो प्रियांश जैसे यूथ आके उसे कमी कर पूरी कर देते हैं। तो बहुत एक पॉजिटिव मैसेज यूथ को जाता है, ऐसे ही पढ़ लिख कर आगे बढ़िए, हमारे देश का नाम रोशन कीजिए। मैं तो समझती हूँ कि ऐसा कुछ करना वो भी एक देश सेवा ही है। पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से एक आक्रोश था लोगों के बीच में,